राह चलते यदि कोई व्यक्ति आपसे लिफ्ट मांगे तो ज़रा सोच समझ कर उसे लिफ्ट दीजिएगा। जी हाँ, अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पानीपत में एक बैंक कैशियर के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। उन्हें एक युवक को लिफ्ट देना काफ़ी महंगा पड़ गया। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से तहसील कैंप के रहने वाले नरेंद्र पंजाब नेशनल बैंक में कैशियर हैं, जो फिलहाल परिवार सहित सेक्टर 13-17 में रह रहे हैं। बीती रात लगभग 8:30 बजे जब वह अपने मेड को छोड़कर वापस घर जा रहे थे बाइक में तेल डलवाने के बाद, जैसे ही वह जीटी रोड की तरफ चले तो एक युवक ने उनसे लिफ्ट मांगी। बैंक कैशियर नरेंद्र ने युवक को बाइक पर बैठा लिया। कुछ दूर चलने के बाद पीछे बैठे युवक ने उनकी जेब से पर्स निकालना चाहा। नरेंद्र ने बताया कि बाइक रोककर जब उन्होंने युवक को टोका तो उसने धारदार हथियार से उनकी गर्दन पर वार किया और फरार हो गया, जिसके बाद नरेंद्र लहूलुहान हालत में ही तहसील कैंप के एक डॉक्टर के पास पहुंचे और परिजनों को मामले की सूचना दी। उसके बाद परिजनों ने सिविल अस्पताल लेकर आए, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रोहतक रेफर कर दिया। लेकिन परिजन घायल नरेंद्र को मॉडल टाउन के रविंद्र अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। क्या हुआ? मैं जीटोड पे पहुंचा तो उसने लिफ्ट मांगी मंदिर की, तो थोड़ा आगे जाकर फाइव मोटर है ना, उसके पास जाके वो पर्स पे हाथ लगा ला। मैं क्या हो गया पर्स में, तो मैं रुकने लगा, रुका तो वो उसने पता नहीं मोबाइल छीनना चाहे, उसके हाथ में पता नहीं क्या था, मोबाइल तो मैं पकड़ लिया, पता उसने हाथ में क्या था वो काट दिया उसने। कहाँ से आ रहे थे? मैं घर से आया था मेड को छोड़ने, तो पेट्रोल डलवाया 300 रुपये का, फिर बाहर इधर आया जिटोड पे, फिर घर जा रहा था वापस। अस्पताल के संचालक डॉक्टर तुषार कालरा ने बताया कि फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। रात काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन फिलहाल स्थिति में काफ़ी सुधार है। स्टेबल हैं हम। रात को जब आए थे हमारे पास ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी, तो उनकी स्टिचिंग वगैरह बाहर से होके आई थी, पर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी। अब ब्लीडिंग कंट्रोल है, आईसीयू में है, पहले से बेहतर हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो पहले से स्थिति में काफ़ी सुधार है उनका। इस मामले में DSP सतीश वत्स का कहना है कि बाइक सवार पर चाकू से हमला करने के मामले में अज्ञात हमलावर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आसपास के CCTV कैमरा की जांच की जा रही है, जल्द ही हमलावर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तरह की घटना है, वो बाइक पर बंदा जा रहा था तो किसी ने लिफ्ट ली उससे और थोड़ा आगे जाके उससे स्नैचिंग करने लगा, स्नैचिंग हो नहीं पाई तो उसने उसको किसी तेज धार हथियार से उसके ऊपर वार किया और वो घायल हो गया। तो उसमें FIR हमने दर्ज कर ली है और CCTV फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं, आसपास कोई आइडेंटिफाई हो जाए तो जल्दी ही गिरफ्तार करेंगे।